प्रदेश के वाराणसी में एक मंदिर में उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। चौबेपुर के डुबकिया गांव में मौजूद हनुमान मंदिर में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और त्रिशूल उखाड़ दिया गया। पुलिस सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर इन उपद्रवियों की तलाश कर रही है और आक्रोशित लोगों को नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का भरोसा दिया गया है। घटना आपको बता दें कि सोमवार 6 फरवरी 2023 रात की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र के डुबकिया में मौजूद खपड़िया बाबा आश्रम में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है और इस मंदिर में तमाम देवताओं के साथ हनुमान प्रतिमा भी स्थापित है और सोमवार की रात 3 बजे के करीब उपद्रवी तत्व ने हनुमान प्रतिमा को तोड़ दिया और शिवलिंग गायब है, नंदी को उखाड़ कर फेंक दिया और सुबह सबसे पहले सीताराम यादव नाम का श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचा, तब उसे इस घटना की जानकारी हुई। कुछ ही देर में बाकी श्रद्धालु मंदिर पर जमा हो गए और सभी लोग मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। मामले की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मंदिर में नई मूर्तियों और शिवलिंग की स्थापना का आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर राजीव सिंह के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है और मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में इसी इलाके के पास शिवपुर थाना क्षेत्र में डी बाबा मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया था। तब 10 दान पात्रों को तोड़कर लाखों रुपए चुरा लिए गए थे और चोर जाते जाते मंदिर की सीसीटीवी से लगा डीवीआर भी उखाड़ ले गए थे।